2014 में 2018 में कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन में थी और टीआरएस भी ठहरे है। बात यह है कि हमारा मैनिफेस्ट भी था, वो लोगों का भी मैनिफेस्ट था। दो बार हमारा मैनिफेस्ट दिए थे मगर हमारा हुकूमत नया आया कांग्रेस का, वैसे ही जो दो बार हुकूमत टीआरएस के चाहे। हम ये सवाल पूछ रहा आज का 10 दिन से मैं सीएम साहब का अपॉइंटमेंट पूछ रहा था, मीडिया के सामने पूछा हमने। 2 तारीख अपॉइंटमेंट जो सीएम भी हमारे कॉन्शियस का या स्टेट का कॉन्शियस का जो आप मैनिफेस्टो करें, थोड़ा हम भी थोड़ा प्रॉमिसेस करें, इसीलिए एक अपॉइंटमेंट होना बोल के सीएम साहब को एक दरख्वास्त किए थे। आज भी मैं ऑफिशियली भी अपॉइंटमेंट पूछा 2 तारीख के दिन। मैं 2 तारीख का दिन ये सीएम साहब का अपॉइंटमेंट में ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये मुस्लिम के लिए 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, एसटी को 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, वही डबल बेडरूम को क्या हुआ, या जीएचएमसी हैदराबाद में या हमारे संगारेड़ पे या स्टेट पे डबल बेडरूम हर एक गांव को, हर एक बल्दिया में, म्यूनसिपाल्टी में, हर एक कॉन्शियस में, हर एक गांव-गांव को आप डबल बेडरूम दे तो बोले। आज वो भी नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वही जो दलितों को एससी उसको हर एक गांव में 3 एकड़ जमीन दे तो बोल के बोले थे, वो क्या हुआ। वैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे पढ़े हैं वो लोगों को जॉब्स नहीं है। हम बोले 3,000 देंगे, सीएम साहब बोले केसीआर साहब हम 3,016 देंगे, ठीक है वोटा उधरी करें, वो क्या हुआ। बच्चों का जो निरुद्योग वृत्ति क्या हुआ, उसके लिए भी एक सवाल है केसीआर साहब से। वैसे हम बोले 3,000 रुपये देंगे, थोड़ा एज कम करें सो लोग, केसीआर साहब बोले 57 एज घर में जितने भी रहेंगे वो लोगों को 3,016 देंगे बोले। फिर आज तक वो 3,016 वो 57 एज वालों को आज तक अमल नहीं हुआ, फिर वो भी क्या हुआ। वैसे बच्चों को जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग या डिग्री नहीं तो या दूसरे वो डॉक्टर्स, वो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए 10 साल कांग्रेस हुकूमत में हम बने बच्चों को फ्री एजुकेशन, वो क्या हुआ, वो आज तक अमल नहीं हुआ। रिएम्बर्समेंट पूरा निकाल दिए, पूरा निकाल दिए, उसको कहीं को नहीं रख रहे। वैसे ही KG-PG खुद केसीआर साहब बोले हम उनको हुकूमत दिए तो KG-PG फ्री एजुकेशन बोले, आज तक अमल नहीं हुआ। ऐसा वैसे ही जो ये फार्मर्स का 1,00,000 रुपये माफ़ कर दो बोले, वो भी नहीं हुआ। वैसे ही जो भी है देखो ये करोना देखो ये लोग ट्रीटमेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करते थे 10 साल हुकूमत में। जब राजशेखर रेड्डी साहब थे सीएम, रोशन साहब थे या किरण कुमार रेड्डी साहब थे, कांग्रेस हुकूमत में जितने पैसे को उतना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो लोगों को हम करा दे, वो भी आज तक आरोग्य सिंह कर दिए। रिसेंटली जो करोना आया अगर हमारा हुकूमत है तो 40,000 लोगों को गरीबों को प्लाटा देंगे बोल के हम वादा किए थे, मगर मैं जीता मगर हमारे हुकूमत कांग्रेस नहीं आया। वो मैं डायरेक्ट अमल नहीं कर सक रहा, वो केसीआर साहब को पूछ रहा मैं सब उसके लिए कुछ करो बोल के। वैसा ही हमारे कॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए 4 मंडल 2 म्यूनसिपाल्टी है, उसी के लिए 1,2,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरा गवर्नमेंट है तो जीव लाता था, आपका गवर्नमेंट है मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये हम आज सीएम साहब को 2 तारीख अपॉइंटमेंट अगर दिए तो ये सब ये तो ऑलरेडी मैं सीएम साहब को भिजा दिया, सीएम साहब को भिजा दिया, वही लेटर में आपको कॉपी भी दिया हमें। यही दरख्वास्त पे अगर 2 तारीख सीएम साहब हमको अपॉइंटमेंट देना बोल के हम चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, अगर मिले तो मैं मेरा बेटी जाएंगे, मेरा बेटी मेरे इलेक्शन में पब्लिक को कन्विंस करने के लिए घर घर को फिरे हैं, उनका भी जिम्मेदारी है, उनका भी वह जिम्मेदार है। इसलिए हम दोनों आज प्रगति भवन चाह रहे हैं सीएम साहब अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए गांधी भवन में हम प्रेस मीट दोनों भी बैठ के ये सीएम साहब का दरख्वास्त पूछ रहे हैं। अगर मिलेंगे अपॉइंटमेंट दे तो जंग लड़ेंगे पब्लिक के लिए। ये हमारा मीडिया के सामने मेरा वॉइस आपको दे, थैंक यू।